नमस्कार, मैं विनीता माला। आज हम बात करेंगे वजन बढ़ाने के नुस्खों के बारे में। अक्सर देखा गया है कि बढ़ते वजन से परेशान लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन वजन बढ़ना ही समस्या नहीं है, कई लोग अपने कम वजन के कारण भी परेशान रहते हैं। एक तरफ जहां दुनिया में 70% लोग वजन बढ़ने से परेशान है, तो वहीं 20% लोग अपने दुबलेपन से परेशान है। सिर्फ 10% लोग ही हेल्दी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। कमजोरी से फर्क सबसे पहले शरीर के बाहरी हिस्सों पर दिखता है। कई लोगों को शादी से पहले ये समस्या आती है और वो इससे बहुत परेशान रहते हैं। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा नुस्खा जिसको उपयोग करके आप डेफिनेटली वजन बढ़ा सकेंगे। वो है जौ की खीर। जौ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, एमिनो एसिड और डाइट्री फाइबर्स और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जो एक बहुत ही फायदेमंद अनाज है, यह एक औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसलिए जौ की खीर पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। इसको खाने से शरीर को पोषण और शक्ति मिलती है, शरीर के विकार दूर होते हैं और यह शरीर की कमियों को पूरा करता है। तो आइए जानते हैं जौ की खीर बनाने का तरीका। इसके लिए आपको जरूरत के अनुसार जौ लेकर उसको थोड़ी देर के लिए पानी की छींटे देकर रख दें। अब इसे हल्के हाथों से माम दस्ते से कूटकर छिलका उतार लें। चाहे तो आप छिलका उतारा हुआ जौ मार्केट में मिलता है वो भी ला सकते हैं। अब छिलका उतारा हुआ जौ की खीर बनाने के लिए 500 ग्राम दूध में 60 ग्राम छिलका उतारा हुआ जौ डालकर खीर बनाएं और इसे ब्रेकफास्ट में सेवन करें। 2 महीने तक रेगुलर इसका सेवन करने से कितनी भी दुबलापन और कमजोरी हो, वो लोग मोटे हो जाते हैं। अगर आप जौ की खीर रोजाना नहीं खा सकते हैं तो वीक में 2 से 3 बार इसको जरूर खाएं। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये नुस्खे आजमा कर देखिए, 100% फायदा होगा। थैंक यू।